सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी दास का विनती है स्वीकार कीजिएगा। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को, काफी नॉलेज मिलेगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। और आपका आशीर्वाद पाने के लिए मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे वाक्य का प्रयोग किया हूँ, जिससे आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी यह एक काम अवश्य करे, छप्पड़ फार कर आएगा पैसा, यकीन नहीं है तो करके देख लेना। पति पत्नी करवा चौथ व्रत समाप्त होने के बाद रात में यह काम नहीं करते तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यहाँ तक कि अकाल भी पड़ सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए पत्नी को रात में पति के साथ यह एक काम करना जरूरी है, करवा चौथ के दिन जबरदस्ती लड़ झगड़ कर जरूरी है करना। और दोस्तों वीडियो के अंत में यह भी जानेंगे करवा चौथ के दिन कौन से काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। इसलिए आज इस करवा चौथ के इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, जानकारी प्राप्त कर सके और आज ही करवा चौथ के शास्त्र में लिखित महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो के बीच बीच में छोड़ने की भूल ना करें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको और कोई नहीं बताएगा। दोस्तों सबसे पहले करवा चौथ 2024 में कब है, 21 को है या फिर 22 को या फिर 20 अक्टूबर को, कितने बजे निकलेगा और क्या पूजा का शुभ मुहूर्त। शास्त्र में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। चलिए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से शुभ मुहूर्त। दोस्तों 2024 में करवा चौथ 20 अक्टूबर को मनाया गया जाएगा और दिन रविवार पड़ रहा है। इस व्रत को क्रातिस मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि को रखा जाता है। इस बार कार्तिक चतुर्थ तिथि 20 अक्टूबर को सुबह 6:44 से शुरू हो रही है और 21 अक्टूबर को सुबह 4:01 पर खत्म होगा। या फिर करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार करवा चौथ पर शुभ मुहूर्त शाम 5:56 से 7 तक रहेगा और सुबह 6 से 7:54 तक रहेगा। इस समय पूजा करना ही शुभ रहेगा। व्रत का प्रारंभ 20 अक्टूबर को सुबह 5:43 पर शुरू होगा और 7:41 मिनट पर चांद निकलेगा पर समाप्त हो जाएगा। चौथ माता की पूजा करेंगे और प्रारंभिक धानों को और मेहंदी से खुद सजाएंगे। इस समय से आप चंद्रमा के अर्घ दे सकते हैं, उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा कर सकती हैं। शुभ मुहूर्त आपको पूजा करनी है। मुहूर्त में पूजा पाठ करने के कई लाख गुना पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। भक्तों करवा चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत माना गया है। किस्मत वाले महिलाएं ही रहती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ व्रत करने का मौका मिलता है। सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती है अपने होने वाले पति के लिए व्रत, तो उसके अखंड भाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। धर्म अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी का प्रेम समर्पण अटूट रिश्तों का निभाना होता है। लेकिन इसी के साथ चलिए तो वह जान लेते हैं क्या करने से वह एक कौन सा काम है जो कि अपने इस वीडियो को देख रहे हो। ऐसा भोजन अमृत के समान, जानते हैं कि अपने पति अपनी पत्नी की स्वयं हाथों से भोजन खिलाता है। ऐसा भोजन अमृत के समान माना जाता है और घर में खुशियां आ जाती है। खास तौर पर करवा चौथ के दिन पति पत्नी में कितना भी रुसा फूली हो जाए, लेकिन करवा चौथ के दिन पति ने अपने हाथों से पत्नी का भोजन अवश्य ग्रहण कराए। इससे उनके हाथों से थोड़ा खा ले, लेकिन करवा चौथ के दिन पत्नी के हाथ से इस दिन अवश्य नहीं खाना। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।